वो तेरा पापा है, वो बाप है तेरा। मेरा लड़का जो है वो मेरे नियंत्रण से बाहर है। एक रस्सी लेकर आया, गले में फंदा बनाकर डाल रहा था और खींचता हुआ मैंने उसको रोका था, खींचता हुआ। हेलो हेलो, कपड़े जो है उसने मेरे पूरे फाड़ दिए, मेरी कमीज के पूरे बटन और मेरी बनियान भी फाड़ दी है। मुझे जान से मारना चाहता है, पुलिस भी बात नहीं सुनती है। वो तेरा पापा है, वो बाप है तेरा। ओ हेलो हेलो, मैं घनश्याम दास गांव क्योंना का रहने वाला हूँ। मेरा घर जो है शिव मंदिर के पास है। मैं यहाँ पर पुराने मकान में रहता हूँ, मेरा घर शिव मंदिर के पास है। मैं सुबह उठा तो मैं पीने के लिए पानी गर्म कर रहा था। मेरा लड़का जो है वो मेरे नियंत्रण से बाहर है। वो सुबह आया और रोज रोज आता है और धमकाता है और हर कुछ बोलता है, गंदी गंदी गालियां देता है। इससे जो है मैं उधर चाय बना रहा था, उसने मेरे को एक रस्सी लेकर आया, गले में फंदा बनाकर डाल रहा था और खींचता हुआ मैंने उसको रोका था, खींचता हुआ मुझे ऊपर वाली स्टोरी से नीचे वाली स्टोरी आंगन में ले आया और आंगन से घसीटता हुआ मुझे आगे यहाँ पर गोड गाय के गौशाला तक लाकर जो है उसने मेरे को बड़ी मुश्किल से, मैंने उसको छुड़ाने की कोशिश की, हल्ला किया तो मेरे परिवार वाले आए, उनको भी उसने ऊंचा नीचा और गंदी गालियां दी और मारने की कोशिश की। कपड़े जो है उसने मेरे पूरे फाड़ दिए, मेरी कमीज के पूरे बटन और मेरी बनियान भी फाड़ दी है। और जो है वो मुझे जान से मारना चाहता है, उससे मुझे बहुत खतरा है, या इसको जो है पुलिस स्टेशन के हैंडओवर किया जाए। पुलिस भी बात नहीं सुनती है। पिछले साल मैंने इसकी रिपोर्ट दर्ज करा बस्सी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। आज भी पुलिस वालों को फोन किया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया अभी तक। तो इससे खतरा होने के, जब मेरे को जान से ही मार देगा तो फिर मेरा इधर रहने का क्या फायदा है। मैंने 24 साल फौज की नौकरी की हुई है और 15 साल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में नौकरी करके 31 अगस्त 2020 को रिटायर हुआ हूं और मैं यहाँ COVID-19 की वजह से 7 तारीख को पहुंचा हूं, जिससे मैं अभी तक जो है यहां पर डर डर कर रह रहा हूं। ये रोज ही मुझे मारने के लिए जाता है। पहले भी एक बार ऐसे हुआ था, रात को 8-9 बजे आया, मेरे परिवार ने, मैं दूसरे भाई के घर में चला गया, वहां पर मैं जाकर बचा। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।